चेन कहाँ है? वो चेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वो चेन आपने पापा को दी थी? पापा को नहीं, तुम्हें दी थी। कहाँ है वो चेन? अमल, बहुत भड़क करो तुम। जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अंकल आराम से। अंकल आपने पापा को चैन दी थी, आपको याद है? अमल 20 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी मुझे हर बात याद है, पूरी डिटेल्स के साथ, क्रिस्टल क्लियर। लेकिन आज नाश्ते में क्या लिया, आज नाश्ते में क्या खाया मैंने, याद नहीं। पापा कहते थे कि आप जैसे ब्राइट साइंटिस्ट इस वर्ल्ड में बहुत कम है। तुम्हारे पापा जानते थे मुझे ब्राइट, ब्राइट की बात निकली है तो एक बात कहूं, अमल तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, मुझसे भी ज्यादा अच्छे, सच। देखना अमल नंदा का ये जो साइंटिफिक जीनियस माइंड है ना, इसे एक दिन पूरा वर्ल्ड सैल्यूट करेगा, पूरा वर्ल्ड इस जीनियस को सैल्यूट करेगा, मार्क माय वर्ड। बस इसलिए तुम्हें ढूंढ रहा हूं, आपकी हेल्प चाहिए मुझे अंकल। तुम ना बहुत इनडिसिप्लिन हो रहे हो, बार बार मुझे सर की जगह अंकल बोल रहे हो, और वो चेन भी तुमने गुमा दी जो मैंने तुम्हें दी थी। केयरलेस, वेरी केयरलेस। मैंने सुना था कालांतक कोठरी आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड से जोड़कर कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर देती है जो समय के चक्र में कहीं खो गए थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ गुरु शुक्र। क्या क्या पता चला तुम्हें दंज? मैं आर के स्वामी का पता लगाने के लिए कालांतक कोठरी स्वेच्छा से गया था। कालांतक कोठरी ने मुझे इस मानव तक पहुंचा दिया जिसका संबंध इस हार से है। इसके अतिरिक्त कुछ और पता चला? मैं बस इतना ही जानना चाहता था। अर्थात हमारा भेद अभी तक सुरक्षित है। अंकल आपको पापा की रिसर्च के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज बताइए, ऐसी कोई बात जो मुझे उनको ढूंढने में हेल्प करे। लेकिन गुल्लक मिल गई। मतलब तुमने मेरी दी हुई चेन तो घुमा दी लेकिन तुम्हें अंगूठी मिल गई। है ना अमल? रिंग, आपको रिंग के बारे में पता है? हमारा सपना पूरा हो गया, तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई, सबसे पावरफुल रिंग। हमारा मिशन कंप्लीट। कौन सा मिशन? याद है हम लोग कई बार हफ्तों घर नहीं जाते थे, अपने सीक्रेट लैब में काम करते रहते थे। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, बिल्कुल किले की तरह था वो। अंकल बिल्कुल टाइम नहीं है, आप प्लीज बताइए वो खुफिया किला था कहाँ पे? तुम अपने खुफिया किले के बारे में भूल गए? नहीं, अच्छा समझ गया मैं समझ गया, तुम नाटक कर रहे हो, भूलने का नाटक। गुड, कैरी ऑन। मैंने भी किसी को नहीं बताया, डीआरएसओ को नहीं, पुलिस वालों को नहीं,
डॉक्टर्स को तो बिल्कुल ही। बहुत अच्छा किया, और आप मुझे तो बताइए। टेस्ट कर रहे हो मुझे? नहीं 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 बताऊंगा। I have to be very careful, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर है मुझ पर। किसकी? कौन है वो लोग? कल ये लोग तुम्हारे पीछे भी आएंगे, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई है। सबसे पावरफुल रिंग। पर आज तो ये मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि DRSO और तुम्हारे बीच का लिंक सिर्फ मैं हूं। सिर्फ मैं। बस यही एकमात्र कड़ी है गुरु शुक्र। हमारी तरह मानवों ने भी अंतरजाल का आविष्कार किया है, जिसे वो लोग इंटरनेट कहते हैं। इस समय पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है इंटरनेट। कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी ढूंढने के लिए सबसे बेजोड़ है ये इंटरनेट। अगर इस मानव के परिचय को गुप्त रखा गया है तो भी हमें जानकारी दे देगा ये इंटरनेट। आप निश्चिंत रहें, तुझे तो मैं ढूंढ कर रहूंगा मानव। मतलब कलंतक कोठरी में जाना दंश की एक चाल थी? उसने मेरे साथ, बल्कि हम सबके साथ छल किया है अचल विचल। दंड और प्राश्चित का है ये सारा खेल। केवल अंगूठी तक पहुंचने के लिए रचा गया था ये सब। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अंगूठी के धारक तक नहीं पहुंच पाएगा दंश। अंकल, अगर वो खुफिया किला ये DRSO में ही कहीं था, तो आप इस मैप में देख के बताइए कि वो कहां थी उसकी लोकेशन। वहां कहां? यहीं। कहां वहीं? इसी में। मैं ज्योग्राफी पूछ रहा हूं अंकल, इसकी लोकेशन कहां थी, जगह कहां है? अमल, जगह कोई देता नहीं, जगह खुद बनाई जाती है। तो आप लोगों ने कहां बनाई? लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, अगर 15 साल पहले रिसर्च पूरी हो गई होती। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर भटकल, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आप? यस यू। आप कौन है? डॉक्टर एम के त्रिपाठी। डॉक्टर एम के त्रिपाठी, प्लेजर टू मीट यू डॉक्टर त्रिपाठी। वैसे अगर आप डॉक्टर एम के त्रिपाठी हैं, तो फिर मैं कौन हूं चंदू? सर, आप डॉक्टर त्रिपाठी, एम के त्रिपाठी। डॉक्टर एम के त्रिपाठी। मैं भी डॉक्टर एम के त्रिपाठी, आप भी डॉक्टर एम के त्रिपाठी। सच अ कोइंसिडेंस। रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये कोट आपका है। अरे मुद्दा ये नहीं है कि कोट किसका है, मुद्दा ये है कि तुम चोरी से घुस गए। Yes. बिना परमिशन के। राइट। और फिर झूठ बोला कि मैं डॉक्टर एम के त्रिपाठी हूँ। राइट। एग्जैक्टली। तो कोई मजबूरी रही होगी ना सर, मेरा भटकल अंकल से मिलना बहुत जरूरी है। वीर नंदा। राइट। हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ वीर, क्योंकि डिग्री से मैं डॉक्टर सही, लेकिन दिमाग से डिटेक्टिव हूँ। इंसान को देखकर उसकी नीयत भांप लेता हूँ। सही है ना? आई कैन सी तुम्हें प्रोफेसर भटकल की वाकई में फिक्र है, और उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा है तुम्हारी तरफ। कुछ साल पहले तुम उनसे मिलने आए थे, फिर आज आए हो, बीच में कहाँ गायब थे? कुछ बताया प्रोफेसर ने तुमको? कुछ भी? तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल रिंग मिल गई। मिशन कंप्लीट। कौन सा मिशन? अपना खुफिया किला। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत से लोगों की नजर है मुझ पर। कुछ बताया होगा ना? याद करो क्या बताया? हलवा। जरूर कोई कोड वर्ड होगा। कैसा हलवा? किस चीज का हलवा? ठंडा या गर्म? गाजर का हलवा। फिर कह रहे थे कि चीटी खा जाएगी। चीटी? चीटी मतलब पड़ोसी देश का एजेंट, और हलवा मतलब वही सीक्रेट इंफॉर्मेशन। फिर चीटी? फिर बस इतना ही। अरे ऐसे कैसे नहीं बताया? मैंने खुद देखा है तुम दोनों को इधर उधर खुसर पुसर करते हुए।
I'm sorry, Veer. देखो, चंदू, देखो वीर, मुझे DRSO ने यहाँ अपॉइंट किया है प्रोफेसर भटकल पर नजर रखने के लिए कि कौन उनसे मिलने आता है, क्यों आता है, क्या बात होती है, ये सब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों सर? अरे उनकी उनकी खुद की सेफ्टी के लिए वीर, उन्हें सेफ रखने के लिए हमने उनकी आइडेंटिटी तक मिटा दी है, यहां तक कि नेट पर भी उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य, इस मानव के विषय में अंतरजाल पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि बाहरी दुनिया से जानबूझकर इसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। अर्थात? अर्थात कोई है जो नहीं चाहता कि कोई भी इस मानव तक पहुंच सके। क्या कारण है ऐसी गोपनीयता का? रीजन ये है कि प्रोफेसर भटकल इज एन असेट फॉर अस। उन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च की है, ऐसी ऐसी क्लासिफाइड जानकारियां हैं उनके पास कि उनका स्पेशल केयर हमें करना पड़ता है। सही है ना? नहीं तो कोई भी उनसे आके मिल सकता है, उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सही है ना? हाँ। अर्थात वो कोई साधारण मानव नहीं है, अवश्य ही उसके पास कुछ ऐसा है जो मूल्यवान है, तभी संसार से उसका परिचय गुप्त रखा गया है। और मुझे कोई ना कोई सूत्र अवश्य मिलेगा जो मुझे उस तक पहुंचा कर रहेगा। अब अगर कोई भी प्रोफेसर भटकल के बारे में नेट पे सर्च करता है तो उसे सिर्फ ये पता चलेगा कि वो DRSO के लिए काम करते थे, वो भी 20 साल पहले। बस सही निकला, यह चित्र 20 वर्ष पुराना है। अर्थात इस समय यह मानव वृद्ध हो चुका है। इस हार का असली मालिक वो युवक नहीं, ये मानव है। उस अंगूठी चोर को ढूंढने से पहले मुझे इस मानव को खोजना होगा जिसका सूत्र भी मुझे मिल चुका है। DRSO। अब तो आकाश की ऊंचाई में छिप जा चाहे, पाताल की गहराई में तू नहीं बचेगा। दंश की दृष्टि तुझ पर पड़ गई है और एक बार तू मिल गया तो अंगूठी के उस चोर तक भी शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा मैं। तो ये थी इसकी योजना। तुम जो भी कह लो अचल, दंश है बड़ा धूर्त। दंश अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता हुआ दिख रहा है अचल विचल, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। श्वान, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो शीघ्र उत्तर दो। आपातकालीन की स्थिति है यहां, पता नहीं कहां मर गया। श्वान, व्योम। हाँ श्वान, कैसा चल रहा है तुम्हारा अवकाश? अर्थात ये कि छुट्टियां मनाने गए हो ना तुम पृथ्वी पर, इसलिए पूछ रहा हूँ, मनोरंजन में कोई कमी तो नहीं? ये कैसा उपहास है व्योम, तुम भली भांति जानते हो मैं पृथ्वी पर अंगूठी की खोज में आया हूँ। तो ढूंढ क्यों नहीं पाया अभी तक? अंगूठी तो छोड़ो, अंगूठी के धारक तक तो नहीं ढूंढ पाया अभी तक, शर्म होनी चाहिए। क्योंकि जितना हमने सोचा था ये अंगूठी धारक उससे कई गुना अधिक धूर्त है, और जब उसके पास अंगूठी की शक्तियां भी हैं, तो उसे पकड़ना और अधिक कठिन हो गया है। हाँ, मैं समझ गया कि वो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अति मानव है। अब करना क्या है ये बताओ। तुम चिंतित मत हो व्योम, वो शीघ्र ही अंगूठी को फिर से धारण करेगा और इस बार मैं उसे पकड़ के रहूंगा। लगता है वो अंगूठी धारक निकल गया।
गायब हो गया? तुझे कैसे पता चला? अरे जिसको बनाना ना जाके उसको बना. From the color of your eyes to the चड्डी का साइज बंटू भाई को सब पता है. अरे तू इधर आ, मैं तुझे बताने वाला था. अरे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है. सब सबको मेरे बारे में सब पता है. तू रॉकी और जारा को किस करते हुए नहीं देख पा रहा था ना? हाँ. उनकी किस नहीं? क्या बात कर रहा है? अरे रॉकी का इतना पपलू बना, इतना मजा कि क्या बताऊं, कितना बहुत मजा आया. बंटू क्या कर रहे हैं? आइए आइए प्लीज. हम आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा. एक से बढ़कर एक हादसे हो रहे हैं. जानबूझ के मुझे पुश किया और मैं गिरने लगी तो आखिर मुझे बचा लिया, ताकि मुझे लगे कि तुमने मुझे गिराया नहीं बचाया है. वाओ वेरी स्मार्ट. इतना कुछ कर लिया मैंने और मुझे पता ही नहीं चला. ओह हमेशा क्यों हीरो बनते फिरते हो? सच में ज़ारा मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया. देखो ये सब टेक्निक्स ना आजकल फिल्मों में भी नहीं चलते, रियल लाइफ में कैसे चलेगी? और वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसलिए डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी. ओके सबको मेरे बारे में सब पता है, पर किसी को ये नहीं पता है कि आजकल मैं बिना पते के लापता घूम रहा हूँ. हेलो. हाँ जागती हूँ आंखों के सपने. मुझे सब पता है तुम क्या करना चाह रहे हो. तुम लोगों को ये दिखाना चाह रहे हो ना कि हमारा कोई कनेक्शन है. देखो जस्ट स्टॉप इट. ओके ये सब बंद करो. तुमने जो वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा था वो वीडियो मैंने तुम्हें बना के दे दिया, तो अब इससे ज्यादा क्या क्लियर करूं कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है. हाँ स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं. एटीट्यूड. हाँ देखो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया तुमने वो वीडियो देखे. तब तक डाला क्यों नहीं? डालूंगी ना. आज कल परसों 5 साल बाद जब मेरा मन करे, मेरी मर्जी. 5 साल बाद हम लोग हैशटैग कपल गोल्स फोटोज डाल रहे होंगे. क्या कहा? मैंने कहा ये फिर से ब्लश कर रहे हो तुम. अरे मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ. स्टॉप स्माइलिंग, स्टॉप ब्लशिंग, स्टॉप. ये ठीक है? ओह माय गॉड कोई फिल्टर लगा के घूमते हो जब देखो कहीं भी कभी भी. भाई ब्लशिंग वो तो अपने आप बस हो जाता है. अपने आप वैसे अपना बहुत कुछ हो जाता है तुम्हारा, जैसे कि ये याद है. I like you too. मुझे गलत मत समझना ज़ारा. Just touch me. क्या ये उस दिन का वीडियो है जब ज़ारा ने मुझे मिलने बुलाया था अपने कमरे में और मैंने ज़ारा को किस किया था? वीर तुम यहाँ हो मुझे तुमसे मिलना है अभी क्या अभी? ज़ारा, इडियट. और ज़ारा इसलिए मुझसे नाराज भी थी. तो आज रिटर्न गिफ्ट दिया है तुमने मुझे किस करके. अनबिलीवेबल अभी भी ब्लश कर रहे हो तुम, इतने बेशर्म हो तुम. देखो ये स्माइल करना बंद करो वरना ये वीडियो अपलोड कर दूंगी. हमेशा के लिए स्माइल करना भूल जाओगे तुम. ज़ारा मुझे गलत मत समझो, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और थोड़ा सा डाउट था वो भी क्लियर हो गया आज. ज़ारा आई एम सॉरी. ज़ारा ये क्या किया वीर, ठीक से सॉरी भी नहीं बोल पाया. एक उस दिन इतनी बदतमीजी कर दी और आज इतना एटीट्यूड दिखा दिया, वो भी ज़ारा को. तू भी ना वीर. उसने भी तो तुझे इतना सुनाया था. नहीं नहीं गलती मेरी है और मुझे ज़ारा को सॉरी बोलना होगा वो भी अच्छे से.
प्रॉपर तरीके से। हाँ सॉरी बोलना होगा। सारा कहाँ? सारा मैम तो अभी अभी घर के लिए निकल गई। अरे यार ये तो फिर से गायब हो गया। ए अलन भाई मेरे को घर चलो। वो क्षण मुझसे बुलाया नहीं जाता गुरु शुक्र, जैसे एक अभिशाप बन गया है मेरे जीवन में। उस अभिशाप को तोड़ने का समय आ गया है। मैं आपको वचन देता हूँ, शीघ्र ही आपकी अंगूठी आपके हाथों में होगी, जिसकी ऊर्जा से आपके बनाए हुए यंत्र से पूरी पृथ्वी का विनाश होगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है मेरे दंश। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.